फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ढोकला बनाना बताऊंगी ग्लास के अंदर, और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है क्योंकि मैंने कम बेसन, एक चम्मच हमने चिली और जिंजर का पेस्ट लिया है, नमक हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून सोडा, ये मैंने ग्रीन चटनी ले रखी है 1 टेबल स्पून, और स्मॉल टेबल स्पून से 1 टेबल एंड हाफ टेबल स्पून हम शुगर डालेंगे, और इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसमें देखिए डालेंगे 1 कप पानी, जिसे हमने मेज़र किया था अपना बेसन, उसे मैंने अभी 1 कप पानी लिया है, इसे हम मिक्स करेंगे। अभी मैंने हाफ डाला है इसमें, और थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ, 1/3 पानी मैंने बचा लिया है, 2/3 मैंने डाल दिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि स्मूथ बैटर इसका बन जाए। ऑयल भी हम डाल दे रहे हैं, 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी मैं लेमन या विनेगर वगैरह नहीं डालूंगी, 15 मिनट हम इसे रेस्ट पे रख देंगे मिक्स करके। देखिए, अब आपको लग रहा है काफ़ी गाढ़ा हो गया, हम फिर पानी डाल देंगे, जो 1/3 रखा था उसमें से थोड़ा सा पानी, और थोड़ा पानी बचा लेंगे। अब इसे हम स्मूथ बैटर बनाकर ढक देंगे 15 से 20 मिनट, वैसे 10 मिनट में हो जाता है, पर मैं अच्छे से फूलने के लिए 15 से 20 मिनट इस बैटर को, 15 मिनट हो चुके हैं, जो हमने बैटर रखा था वो देखिए काफ़ी फूल चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें और ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने बचा रखा था यानी 1 कप हमारा बेसन है उतना ही हम पानी डालेंगे। इसे हम मिक्स कर ले रहे हैं, और मैंने थोड़ा सा क्रश करके एक रखा है बीटरूट, जिसे भी मैं डालूंगी, और मैंने ग्लास 3 रखे हैं, ग्रीस कर रखा है यानी ऑयलिंग कर ली है पूरी, थोड़ा सा ऑयल मैंने अंदर की तरफ भी डाल रखा है। पानी गर्म हो रहा है, एक डब्बे का ढक्कन मैंने यूज़ किया क्योंकि उस बर्तन के अंदर कोई प्लेट नहीं आ पा रही थी, और 3 ग्लासेस हमें फिट करनी थी। भगोना मैंने मीडियम साइज़ का यूज़ किया है ताकि उसमें अच्छे से सेट हो सके और हमारी गैस बर्बाद ना हो। इसके बाद देखिए, हमने 2 चम्मच विनेगर लिया है, वाइट विनेगर। ऑयल आप जो डालिएगा वो उसमें कोई खुशबू ना हो, जैसे मूंगफली का तेल, तिल ऑयल सिंपल डालिएगा जिसमें कोई स्मेल ना हो, या नारियल का तेल वगैरह मत डालिएगा। अब देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इसका कलर भी चेंज हो गया है, और मिक्स करते ही ये काफ़ी हमारा बैटर फूल चुका है, और देखिए इसका इसकी मात्रा भी आपको अधिक दिख रही होगी, काफ़ी प्लफी नज़र आ रहा है। हम इसे झटपट मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम इस बैटर को अपने ग्लास में पोर करेंगे। देखिए, थोड़ा सा बैटर डाला हमने, उसके बाद चुकंदर डाला, फिर ऊपर से थोड़ा सा बैटर डाला, 1/3 पोर्शन हम इसे खाली रखेंगे। 1 कप बैटर था जो 3 ग्लास में हमने सेट कर लिया, ऊपर से चुकंदर यानी बीटरूट का। पानी तेज़ी से बॉयल हो रहा है, आपको साउंड सुनाई दे रही है, एक रिंग मैंने डाली है, और इसके ऊपर हम डालेंगे एक ढक्कन, मेरे पास था बॉक्स का, वो आ रहा था क्योंकि प्लेट इक्वल नहीं हो रही थी, जिसमें 3 ग्लासेस सेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया प्लेट को, और इसे डाला। आँच को हम एकदम सिम कर देंगे ताकि पानी अब बॉयल हो चुका है, या मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे इसे। 2 मिनट मैंने फ्लेम तेज रखा, अब फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी क्योंकि आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। हम एक सीख डाल के या सलाई डाल के चेक करेंगे इस तरह, ये देखिए एकदम क्लियर निकल रही है। 15 मिनट हो चुके हैं, 3 ग्लास के हम चेक कर ले रहे हैं अपने ढोकले। इसके बाद फिर इसे हम थोड़ी देर ढक कर रख देंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। पहले हम ढक दे रहे हैं अभी थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम ग्लास को बाहर करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, 1 चम्मच ऑयल हम डाल रहे हैं, स्मॉल टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे राई, मिर्च मैंने सफ़ेद, राई हमारी चिकट रही है, हम डाल देंगे करी पत्ता, और अब इसमें डालेंगे हम पानी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, चीनी डालेंगे 2 टेबल स्पून हम डाल दे रहे हैं, बाकी मीठा स्वाद हो इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। और अब हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे ताकि इसका खट्टा मीठा स्वाद हो, 1 नींबू का रस मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद हम इसे स्टर करेंगे ताकि चीनी मिक्स हो जाए, बॉयल हो गया हमारा पानी। अब मैं स्विच ऑफ कर दूँगी, ढोकला अच्छे से निकल गया, ग्लास एकदम देखिए क्लीन हो गई है, और हम इसे स्टार्ट करेंगे कट करना। कट आपको बहुत
ही सावधानी से करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट ही दुबला है हमारा बना हुआ। देखिए ये देखिए मैंने कट किया, इसके अंदर कितनी जालियां बनी हुई हैं। देखिए इसे हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह मैंने काट रखा है कुछ टुकड़ों में, इसे मैं कटोरी में ही छोड़ दे रही हूँ। और ये हमारा ग्लास वाला ढोकला है, मैं देखिए इस पर थोड़ा सा डालूंगी तड़का, तड़का हम इस तरह डाल देंगे। अभी हमारा पानी गर्म है तो ये अच्छे से पूरी तरह ढोकला सोख कर ले रहा है और हम इस तरह इन पे भी डाल देंगे। और अभी जो हमारा ग्लास के अंदर है उसके अंदर हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पूरी तरह बिखर। देखिए टेस्टी ढोकला हमने सर्व कर दिया है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।